संभाग में अलर्ट, भोपाल समेत 8 जिलों में आज बूंदाबांदी, अगले 4 दिन आंधी पानी के आसार। इंदौर के विजयनगर इलाके की एक होटल में बेबी जोड़े ने जहर खाकर किया सुसाइड। जहर खाने के बाद युवती ने भाई को फोन लगाकर कहा, हमने खा लिया शहर, हमें बचा लो। कारण अज्ञात, पुलिस कर रही मामले की जांच। दीपक जोशी के बाद और बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा, बहट तो ट्रेलर था, देखते जाइए। बोले, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सुनामी चल रही। 15 महीनों की हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में। वो तो ट्रेलर था। हाँ, तो 11.5 महीने में जो हमने किया, मध्य प्रदेश की जनता गवाह। सागर जिले के गढ़ाकोटा में सिविल अस्पताल में लंबे समय से रखी डिजिटल एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन की सुविधाओं का अब मिलेगा मरीजों को लाभ। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव की पुत्र वधू शिल्पी भार्गव ने शनिवार की दोपहर सिविल अस्पताल गढ़ाकोटा में पहुंचकर सोनोग्राफी मशीन के साथ ऑक्सीजन प्लांट 4 और NVSU का किया लोकार्पण। यहाँ गढ़ाकोटा के सिविल अस्पताल में दो कार्यक्रम हुए हैं। एक अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया है और एक NVSU न्यू बॉर्न जो केयर होती है उसका एक हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं, और जिसमें हमारे बच्चे अगर पहले प्री मैच्योर हो जाते हैं या रोना नहीं होता है या ज़्यादा गंभीर अवस्था में पैदा होते हैं, हम उनको इमीडिएटली इस न्यू बॉर्न केयर यूनिट में रखते हैं और पीडियाट्रिशियन जो है, जो डॉक्टर बच्चों वाला है, वो उसको देख के उसको ठीक करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार और पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना के आदेश अनुसार पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में सागर जिले में आम नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करने सागर पुलिस द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 6 बजे से 8 बजे तक की गई पैदल गश्त। छतरपुर SPM सांघी ने शहर में भारी पुलिस बल के साथ किया भ्रमण। DGP के निर्देश पर लोगों में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए SPM सांघी ने भ्रमण के दौरान व्यापारियों और आम नागरिकों से भी की चर्चा। चुनाव में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात का हिंदू संगठन जता रहे विरोध। सागर जिले के खुरे में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस का चालीसी का किया पाठ। की थाना कैंट के द्वारा सदर क्षेत्र और भी अन्य क्षेत्रों में निकाला गया फ्लैग मार्च। सागर जिले के नरयावली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार और चड़ुआ खेड़ा चौकी प्रभारी विद्यानंद यादव के नेतृत्व में निकाला गया पैदल मार्च। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। पैदल मार्च वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश था। आज पूरे प्रदेश में
समस्त फील्ड में कार्य करने वाले राजपत्र अधिकारी और टी आई वगैरह चौकी थाना क्षेत्र के सभी अधीक्षक बल लेकर अपने थाना क्षेत्रों में पैदल भ्रमण करते थे 6 से 8। तो अभी भी पैदल भ्रमण कंटिन्यूस है। कहाँ से कहाँ तक का भ्रमण किया सर? अभी नरियावली कस्बे में भ्रमण किया है, अभी जदुखेड़ा में भ्रमण जा रहे हैं। सागर विधायक शैलेंद्र जैन और सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति चौहान ने स्मार्ट सिटी द्वारा वर्चुअली के जीर्णोद्धार कार्य का किया निरीक्षण। ठेकेदार और निगम के अधिकारियों से कार्य के लिए जानकारी पूर्व में चूहों के द्वारा डेड बॉडियों को उतरने का और नुकसान पहुँचाने का मामला आया था सामने। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह, सीएसपी भावना दांगी, टीआई कोतवाली विजय सिंह राजपूत के द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। जिले के पथरिया में पुलिस ने नगर के मुख्य मार्गों और गलियों में थाना पथरिया के थाना प्रभारी रजनी शुक्ला और उप निरीक्षक कादर खान सहित अन्य पुलिस बल द्वारा निकाला गया पैदल मार्च। सड़कों पर गलियों में शराबियों पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें भी खदेड़ा। सागर जिले के खुड़ेगी महाकाली मंदिर टीम शेड पर आयोजित मजदूर सम्मेलन सम्मान समारोह में शामिल हुए नगर विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह। सागर जिले के खुरे के शासकीय पंडित केशरी शर्मा उत्कृष्ट विद्यालय में समर कैंप का नगर पालिका अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। दमोह जिले में मछली ठेकेदार कल्लू रैक पार्क पर चाकू और अन्य हथियार से किया गया हमला। पार्क में गोली मारकर किया मर्डर। वारदात के बाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लोग, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड किया घोषित। अस्पताल में बड़ी संख्या में मृतक के समर्थक हुए इकट्ठे, जमकर किया प्रदर्शन। एसपी शिव कुमार सिंह के साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद।